हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हैज, हैव और हैड का प्रयोग कैसे करना है और कैसे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का हम करते रहते हैं उसको दूर करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारा चैनल सुविद्या जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले हैव की बात करते हैं तो जब मैं कोई भी वस्तु को कहती हूँ कि मेरे पास है, मान लीजिए मैं आई हो गया और मैं रखती हूँ कोई भी वस्तु, मान लीजिए मैं पेन रखती हूँ, मैं बोर्ड रखती हूँ, मैं बेड रखती हूँ, मैं बाइक रखती हूँ, मैं सोफ़ा रखती हूँ, मैं लैपटॉप रखती हूँ, मैं मोबाइल रखती हूँ, तो जो रखना मेरे पास होना वो है हैव। तो आई और मान लो वस्तु हो गई कार, तो उसके बीच में मैं लगाऊंगी आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ मोटरसाइकिल, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बोर्ड, आई हैव अ बेड, आई हैव अ सोफ़ा, आई हैव कर्टन्स। सो कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तु जो मैं रखती हूँ आई, उसके लिए हैव का प्रयोग होगा। इसके अलावा अगर मैं रखती हूँ रिलेशंस कुछ, तो आई हैव रिलेशंस। तो अगर जिससे भी मेरा रिलेशन है, या मदर, फादर, सन, उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। या फिर मैं रखती हूँ कोई आदत, मान लो मेरी कोई आदत है तो उसके लिए आई हैव बैड हैबिट्स। तो अगर मैं अपनी कुछ बैड हैबिट्स हैं, या फिर आई हैव गुड स्माइल, तो अगर मैं अपने कुछ एक्सप्रेशन हो गए, या फिर मैं रखती हूँ, या फिर मैं मेरे को है फीवर, आई हैव फीवर, आई हैव कोल्ड, या फिर मैं मेरे पास कोई भी चीज़ जो कि मैं रखती हूँ, रखने की जो स्थिति है, मेरे पास होने की जो स्थिति है वो बताता है हैव। जो चीज़ मैं रखती हूँ तो हो सकता है वो आप भी रखते हों। तो जब हम यू की बात करेंगे तो सेम जिस तरीके से मैंने आई के साथ हैव का प्रयोग किया है, आप भी यू के लिए भी सेम यही होगा। यू हैव अ मोटरसाइकिल, यू हैव अ कार, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेंसिल, यू हैव अ शार्पनर। तो कोई भी चीज़ें जब आप भी रखते हैं तो वहाँ पे भी हैव का प्रयोग होगा। और जो चीज़ मैं रख रही हूँ, आप रख रहे हैं, तो हो सकता है कि हम दोनों मिल के रख रहे हैं या हम सब रख रहे हैं, तो वहाँ पे हम सबके लिए प्रयोग होता है वी का। और सेम सेंटेंस हम बना सकते हैं, We have a home, we have a bike, we have some paintings. So, कोई भी चीज़ें अगर हम बात करें तो वहाँ पे have का प्रयोग होगा। और जब हम की बात करें तो वह की भी बात हो सकती है, कई सारे जो लोग हैं वो भी वो रख सकते हैं। तो सेम चीज़, they have a car, they have a camera, they have a pen, they have some chocolates. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं, आई, वी, यू और दे, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हैव प्लस हैव और क्या हम रख रहे हैं उसको आप सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। तो आई, वी, यू, दे के साथ में हैव लगेगा। अब हो सकता है वो जो चीज़ है I have, पर हो सकता है वो चीज़ मेरे पास ना हो, कुछ चीज़ मेरे पास नहीं है, मान लीजिए मेरे पास पेन नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, I do not have a pen, मेरे पास पेन नहीं है। अब do not को अगर हम थोड़ी सी फ्लुएंसी दें तो आजकल प्रयोग होता है don't, I don't have a pen, We don't have a pen, they don't have a pen, you don't have a pen. तो जब हम इसको नेगेटिव बताते हैं, कोई सामान हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पे प्रयोग होता है do not का, अर्थात don't का। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ I don't have a pen, I don't have a marker, we don't have a laptop, they don't have a home. तो जब हम बात करते हैं I, we, you, they की, और वह वस्तु हमारे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम सबके पास नहीं है, तो वहां पे प्रयोग होता है डोंट हैव का। तो दोस्तों, पहली चीज हमारी ये है, जब हम कुछ चीज रखते हैं आई, वी, यू, दे, उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। और फिर वो जो वस्तु, वो जो सामान, वो जो आदत, वो जो रिलेशंस जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका प्रयोग होगा। अब दोस्तों, आई, वी, यू, दे का तो समझ में आता है, हो सकता है कोई वस्तु वह
मेल या फीमेल में कोई रखता हो या फिर कोई नाम हो वो रखता हो या फिर कोई कोई चीज़ रखती हो, तो जैसे कि ही शी इट नेम, जब भी हम बात कर रहे हैं ही शी इट और नेम की, जब भी हम ही शी इट और नेम के बारे में बात करते हैं, जैसे ही हो गया, मान लो ही वह जो है वह पेन नहीं रखता है, हमने अभी एक एग्जांपल ले रखा है पेन का जैसे, तो ही तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे या फिर वह पेन रखता है, तो आप हमेशा याद रखिए वहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, ही शी इट नेम के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैज का। हम वर्तमान में बात कर रहे हैं कि वह पेन रखता है, तो ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन, सीता हैज अ पेन, मीना हैज अ पेन, रमेश हैज अ पेन। तो जब भी हम बात कर रहे हैं ही शी इट नेम की, तो आपको याद रखना है, आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। और अगर ही शी इट नेम में से वह वस्तु नहीं रखता है, मान लीजिए सीता जो है पेन नहीं रखती है, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, सीता, और जहाँ हमने डोंट का प्रयोग किया था यहाँ डोंट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ प्रयोग होगा डजंट, डज नॉट, डजंट, और यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा, शी डजंट हैव अ पेन। तो आप यहाँ पे देखिए, जब सीता पेन रखती है तो सीता हैज अ पेन, और अगर सीता पेन नहीं रखती है तो हो जाएगा सीता डजंट हैव अ पेन। मान लो यहाँ पे ही है तो ही डजंट हैव अ पेन, शी डजंट हैव अ पेन, इट डजंट हैव अ पेन, परंतु अगर यहाँ पे आई है तो आई डोंट हैव अ पेन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ही शी इट नेम की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम किसी वस्तु का नहीं होने की बात करें कि वह नहीं है, तो वहाँ पे ही शी इट नेम के साथ में डजंट आएगा और उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर वो वस्तु रखते हैं ही शी इट नेम में से, तो हमेशा वहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं हैड की तरफ। हैड का यूज़ कहाँ होता है? हैड का यूज़ होता है जब वो वस्तु अभी तो नहीं रखते थे, मान लीजिए मैं कोई पुरानी आदत रखती थी, या फिर पहले मैं पेन रखती थी, या फिर मैं पहले मोटरसाइकिल रखती थी, या फिर मैं पहले लैपटॉप रखती थी, या फिर वह पहले, जब हम पुरानी बात करते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं, तब हैड का प्रयोग होता है। मान लीजिए वह सीता पहले एक कार रखती थी, तो सीता हैड अ कार, या फिर सीता की कुछ बुरी आदत थी, तो सीता हैड बैड हैबिट्स। तो पहले जब हम पुरानी बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हैड का प्रयोग होता है, जो कि भूतकाल के बारे में बताता है। अगर कार वो पहले नहीं रखती थी, अगर हम भूतकाल की बात कर रहे हैं और सीता कार पहले नहीं रखती थी, तो जो सेंटेंस बनेगा वह बनेगा सीता डिड नॉट हैव या फिर डिडंट हैव अ कार। तो दोस्तों हैड का जो प्रयोग है उसमें जब वस्तु रखते हैं, तो चाहे वो ही आई वी यू दे हो, ही शी इट नेम हो, सबके साथ में हैड लगेगा। रमेश हैड अ बाइक, रमेश हैड अ होम, रमेश हैड अ एसी, रमेश हैड कर्टन्स, रमेश हैड पेंटिंग। तो वहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, चाहे सीता की बात करें, चाहे रमेश की बात करें, चाहे ही की बात करें, चाहे शी की बात करें, चाहे दे की बात करें, चाहे वी की बात करें, चाहे आई की बात करें, चाहे यू की बात करें, सबके साथ में हैड का प्रयोग होता है अगर वो वस्तु है, और नहीं है तो डिड नॉट हैव का प्रयोग होता है। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सीता डिड नॉट हैव
इस तरीके से प्रयोग होगा और जो हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है हैव, हैज और हैड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल सुविद्या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।